अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। क्या दोस्तों आप आज इस वीडियो में जानना चाहते हैं कि अगर आपको अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में अगर दोस्तों हिंदी सॉन्ग का यूज़ करना हो रील वगैरह बनाने के लिए, जब आप देखते हैं कि स्नैपचैट में एक ऑप्शन आता है वीडियोज़ बनाने का, वीडियोज़ शूट करने का, उस टाइम अगर आप हिंदी सॉन्ग लगाना चाहते हो किसी भी मूवी का, तो दोस्तों आप कैसे हिंदी सॉन्ग को यूज़ कर पाओगे, हिंदी गाने को कैसे आप यूज़ कर पाओगे। अगर दोस्तों आपको इसकी जानकारी नहीं है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली हमें स्नैपचैट एप्लीकेशन को एक बार ऑन कर लेना होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को लॉगिन नहीं करा है तो सिंपली दोस्तों आप इसे लॉगिन भी कर ले। और दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा म्यूज़िक का। सिंपली दोस्तों आपको इस म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों आप अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को एक बार ज़रूर अपडेट कर ले। और दोस्तों जैसे जब आप इस म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर आपके मोबाइल पे जो भी म्यूज़िक्स वगैरह जो भी रहेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा मेरा नेट जो है स्लो है, इस वजह से लेट से ऐसा आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी म्यूज़िक वगैरह है वो यहाँ पे आ चुका है। सिंपली दोस्तों हमें ऊपर में एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये रहा सर्च का ऑप्शन। सिंपली दोस्तों इस सर्च वाले ऑप्शन पे हमें एक बार क्या करना होगा, सिंपली हमें हिंदी सॉन्ग यहाँ पे लिख देना होगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी सॉन्ग ही सिर्फ टाइप कर देता हूँ, HINDI हिंदी SONGS। सिंपली दोस्तों आप जिस गाने को ढूंढना चाह रहे हैं, जिस आर्टिस्ट के गाने को ढूंढना चाह रहे हैं, जिस सिंगर के गाने को या जिस मूवी के गाने को, सिंपली दोस्तों आपको उसका नाम जैसे जब आप टाइप करोगे यहाँ पे तो दोस्तों वो गाना जो है यहाँ पे आ जाएगा। हिंदी सॉन्ग यहाँ पे मैंने लिखा तो यहाँ पे हिंदी सॉन्ग जो है वो यहाँ पे आ चुका है। और इस तरह से दोस्तों मैं यहाँ पे कबीर सिंह लिख देता हूँ, KABIR कबीर सिंह। सिंपली दोस्तों जैसे जब हम यहाँ पे कबीर सिंह टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीर सिंह का जो यहाँ पे गाना वाना है यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो भी गाना चाहें, आप हिंदी गाना, वो यहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, और साथ ही साथ आप अपने वीडियो में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको किसी भी गाने को अगर चूज़ करना है हिंदी सॉन्ग को तो आप कैसे कर पाओगे, और साथ ही साथ उसका आप वीडियो में भी कैसे यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।